अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडवांस लर्निंग के अंदर हमारे जो आज प्रैक्टिकल है वो है परफॉर्म आ प्रैक्टिकल टू स्क्वेयर बर्ड जॉइंट इन फ्लैट पोजीशन, यानी आपने फ्लैट पोजीशन में बर्ड जॉइंट लगाने हैं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले जो हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए चीज़ें ज़रूरत है उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स में रेक्टिफायर है जिसकी मदद से हम अपनी वेल्डिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रोड होल्डर इसके बाद है, इलेक्ट्रोड होल्डर आपके इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने के काम आता है जैसे आप अपने जॉब के ऊपर वेल्ड लगाते हैं। इसके बाद मटेरियल, मटेरियल में हम MS स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं जिसकी डायमेंशन 6 mm मल्टीप्लाई बाय 50 mm मल्टीप्लाई बाय 75 mm, मतलब कि हमारे पास माइल्ड स्टील की स्ट्रिप है जिसकी मोटाई 6 mm है, उसकी चौड़ाई 50 mm है और उसकी लंबाई जो है वो 75 mm है। तो इसके बाद टूल्स हैं, टूल्स में चिपिंग हैमर आ जाएगा, वायर बुरश होगा और टांग होगी। चिपिंग हैमर आपका वेल्डिंग के बाद स्लैग रिमूव करने के काम आता है। वायर बुरश आपके वेल्डिंग के बाद जिस वक्त आपका जॉब आप तैयार कर लेते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। और टांग एक इम्पोर्टेंट टूल है, इससे हार्ड मटेरियल को होल्ड किया जाता है वेल्डिंग के बाद आपका, या वेल्डिंग करने के दौरान आप जिस वक्त अपने जॉब को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट अप होगा, आपने हाथ नहीं लगाना उसे। जब भी उसे आपने होल्ड करना है या उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो आप टांग का यूज़ करेंगे। इसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट है, एप्रन हमारी बॉडी को कवर करता है और जो भी स्पेडर या हॉट मटीरियल होता है उसे हमें बचाता है। फेस शील्ड या हेलमेट होता है, ये हमारी आँखों और चेहरे को स्पेडर से या हॉट मटीरियल से, हॉट मेटल से बचाता है। इसके बाद सेफ्टी शूज़, कि अगर कोई हार्ड मेटल या आपका जॉब नीचे गिरता है तो आपके पाँव के ऊपर ना गिरे, या अगर गिर भी जाए तो आपने शूज़ अगर पहने होंगे सेफ्टी शूज़ तो आपके पाँव उससे बच जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड E6013 हम यूज़ कर रहे हैं जिसका डाया 2.5 mm है। ये माइल्ड स्टील का यानी MS का इलेक्ट्रोड है E6013, यहाँ पर कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपका जो भी बेस मेटल है उसके मुताबिक आपका इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यानी उन दोनों का मटेरियल जो है वो बेस मेटल जो है एक जैसा होना चाहिए, तभी आप एक किसी भी मेटल के ऊपर वेल्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करने के बाद करंट को सेलेक्ट करना है। करंट हम अपने इलेक्ट्रोड के डाई के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। तो 2.5 mm इलेक्ट्रोड है तो इसका जो मिनिमम करंट है वो 50 एम्पेयर है और मैक्सिमम जो करंट है वो 80 एम्पेयर है। तो मैंने यहाँ पे 90 एम्पेयर भी लिखा है, 90 एम्पेयर इस वजह से लिखा है ताकि थोड़े से करंट बढ़ाने से बेस मेटल की मेल्टिंग ज़्यादा होती है और पेंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, और ये मैं अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जो करंट हम यूज़ करेंगे वो करंट है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें रिक्वायर हैं अपनी एक बीड या अपने जॉब को वेल्ड करने के लिए। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने प्रोसीजर की तरफ, देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर जो है वो क्या है।